गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर फिफ्थ का अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द इफ स्टेटमेंट अब जो हमने पहले कल डिस्कस किया था कि डिसीजन कंट्रोल कर सकते हैं तो कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनके थ्रू हम कर सकते हैं उनको कंट्रोल तो पहला होता है इफ़ स्टेटमेंट इफ का मतलब है इफ उसका ये पैरा आएगी यहाँ पे एक्सप्रेशन होगा जैसे मैं लिख दूँ इफ ए इज ग्रेटर देन बी तो मैंने एफ़ लिखा साथ में इसी के विदाउट एनी स्पेस पैराथीसिस शुरू करी ए किया देन ग्रेटर देन बी और वन तो अगर ऐसा है तो जो ये वाली ब्रेसिस है इसके अंदर जो भी काम लिखा है और जब ये बंद हो रही है यहाँ तक ये देखो ये इफ़ थी ये इसकी क्या है कंडीशन है इसके बाद मैंने इस पर, उसमें ब्रैकेट से और जहाँ पे बंद हो रही है इसके पीछे जो भी काम लिखा है ये कब चलेगा जब ये वाली कंडीशन कैसी होगी ट्रू होगी अगर ये ट्रू है तो ये काम करेगा वरना इफ के बाद जो इसकी ब्रेसेस बंद हो रही है ये ब्रेसेस इसके बाद ये हाँ आ जाएगा डायरेक्टली तो देखो इसका कैसे होता है फ्लो चार्ट में एंट्री हुई टेस्ट की हमने कंडीशन ये तो आपको सी में लिखना बताया है ये इसका क्या है फ्लो चार्ट है एंट्री की कंडीशन चेक की कंडीशन ट्रू है तो काम हो जाएगा स्टेटमेंट का जो ब्लॉक है वो चल जाएगा और बाकी बचा हुआ प्रोग्राम शुरू हो जाएगा अगर ये फॉल्स है अगर ये फॉल्स है तो ये वाला स्टेटमेंट जो बीच का था ये स्किप कर देगा सीधा आगे वाले प्रोग्राम पे आ जाएगा तो देखो अब इसने क्या दिया है अगर ये वाला जो हमारी कंडीशन है ये ट्रू है तभी ये स्टेटमेंट का ब्लॉक चलेगा वरना डायरेक्टली आगे वाले प्रोग्राम पे आ जाएगा Then इसने आगे दिया है अदरवाइज द प्रोग्राम कंट्रोल रिज्यूम्स आफ्टर द क्लोजिंग ब्रेसेस कि जहाँ पे भी ये ब्रेसेस बंद है उसके बाद वाली लाइन पे आ जाएगा फॉर टू और मोर स्टेटमेंट इट विल नेसेसरी टू सराउंड दैम इन ब्रेसिस अदरवाइज ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड ये देखिए इसमें क्या बता रहे हैं मैंने इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी ये चेक किया तो मुझे सिर्फ प्रिंट करानी है एक लाइन प्रिंट एफ ए इज़ ग्रेटर ये लाइन प्रिंट करानी है और अगर मुझे सिर्फ एक लाइन प्रिंट करानी है तो मुझे ये ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है ये वेल well अंडरस्टूड है कि इफ़ के बाद जो पहली लाइन है वो इस इफ़ की ही है कि इसके बाद जो एक लाइन है वो इस इफ की है लेकिन अब मैंने क्या किया इसके बाद एक और प्रिंट करा दिया है प्रिंट एफ़ प्रिंट एफ वैल्यू सिर्फ ये प्रिंट कराएं तो अब क्या होगा मैं वैसे चाहती थी कि जब ये ट्रू हो तब ये दोनों काम करे वरना यहाँ से आ जाए मतलब जो भी इसके बाद स्टेटमेंट लिखिए वो चले लेकिन मैंने यहाँ पे ब्रेसेस नहीं लगाई तो क्या करेगा जो सी में हमारा कंपाइलर है सिर्फ इफ के बाद वाली लाइन को इस इफ़ के साथ जोड़ लेगा कि ये इसकी इफ की लाइन है ये बाकी का बचा हुआ प्रोग्राम है तो जब भी एक से ज्यादा लाइन इस इफ के अंदर डालनी है तो हमें ब्रेसेस लगानी पड़ेगी और अगर एक ही लाइन है तो मर्जी आपकी ब्रेसेस लगाओ या मत लगाओ एक लाइन वो अपने आप उसी के अंदर समझ लेगा अब देखो नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल इफ पैर शुरू एक्स इज ग्रेटर देन जीरो अगर x जीरो से बड़ा है तो क्या प्रिंट हो जाएगा x इज पॉजिटिव इंटीजर अब देखो यहाँ पे कोई ब्रेसेस नहीं लगी हुई ना तो इसका मतलब इस इफ़ की सिर्फ ये वाली लाइन कंसिडर करेगा ये क्या होगा इसके बाद की लाइन ये हमेशा चलेगी अगर ये इफ़ फॉल्स है अगर ये फॉल्स है तो सीधा ये प्रिंट होगी अगर ये फॉल्स है तो सीधा ये प्रिंट होगी क्योंकि ये वाली लाइन तो इसके साथ जुड़ी हुई है ये कब होती प्रिंट जब ये ट्रू होता अगर फॉल्स है तो सीधा यहाँ आ जाएगा कंप्यूटर नेक्स्ट देखो अब इसने क्या दिया है कंसिडर नेक्स्ट फ्रेगरेंट इसमें क्या है If X is एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो जीरो नहीं है तो अब देखो दो लाइन है ना इसके अंदर मैं दोनों प्रिंट कराना चाहती हूँ कि अगर ये ट्रू हो जाए कंडीशन तो ये दोनों लाइन प्रिंट हो तो मुझे क्या लगाना पड़ा यहाँ पे ब्रेसेस फिर मैंने क्या किया है प्रिंट न्यू लाइन करेक्टर आउट ऑफ एफ कंस्ट्रक्ट अब क्या होगा अगर ये ट्रू है तो ये दोनों होंगी प्रिंट देखो ट्रू में क्या क्या प्रिंट होगा लाइन नंबर वन टू थ्री नंबरिंग की हुई है मैंने आपको समझाने के लिए अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो पहले प्रिंट होगी वन फिर होगी टू और थ्री होगी ऐसे और अगर ये फॉल्स है कंडीशन तो सीधा क्या प्रिंट होगी थ्री वन और टू तो इस इफ के अंदर थी ना तो इफ़ फॉल्स हो गया तो ये प्रिंट नहीं होगी नेक्स्ट ऐसे ही दिया हुआ है इसने इफ के अंदर दो तीन कंडीशन है इफ एक पैराथीसिस शुरू फिर दूसरी देखो ये एक तरह से ब्रैकेट बनाई हुई है इसने ए इज ग्रेटर देन ज़ीरो एंड बी इज ग्रेटर देन सी अगर ये दोनों ट्रू हैं ये ट्रू हो गई फिर देखो इसने कहा है और जेड इज इक्वल्स टू टेन दोनों में से कोई भी ट्रू हो तो ये प्रिंट हो जाएंगी दोनों वरना ये प्रिंट होगा ऐसे आ जाएगा एक होती है बुलियन वैल्यूज बुलियन वैल्यू क्या होती है कि हम जीरो और वन में रिप्रेजेंट करते हैं हम ट्रू फॉल्स ना बोल के जीरो वन से बताएंगे तो बुलियन वैल्यू जीरो के लिए क्या होता है फॉल्स जब भी हम फॉल्स की बात कर रहे हैं इसका नाम हम क्या बोल रहे हैं जीरो ट्रू का मतलब क्या है वन है ये आ जाता है इसमें नेक्स्ट ऐसे ही है इफ एल्स स्टेटमेंट इसमें क्या होगा इफ तो था ही लेकिन अब हमने उसका एल्स भी दे दिया है इफ का देखो हमने क्या कहा था अगर ये ट्रू है तो ये काम हो जाए पर अगर ये फॉल्स है तो कौन सा काम हो तो अब वो किस में आ जाएगा एल्स में आ जाएगा इसका देखिए कैसे लिख रहे है सिंटेक्स क्या रहेगा इफ एक्सप्रेशन लिखा अगर ये ट्रू है तो ये काम चल जाए अगर ये फॉल्स है तो एल्स पे आएगा एल्स को चला देगा अब इसका देखिए ये रहा इसका फ्लो चार्ट फ्लो चार्ट में क्या बताया इसने एंट्री की कंडीशन को टेस्ट किया अगर ट्रू है ये जो इफ़ की स्टेटमेंट है ये ट्रू है तो इफ़ वाला ब्लॉक चल जाए मतलब ये वाला और अगर ये फॉल्स है तो एल्स वाला चल जाएगा ब्लॉक उसके बाद जो बचा हुआ प्रोग्राम है वो चलेगा इसके नीचे कुछ एग्जाम्पल्स है ये आप रीड आउट करें कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है तो एग्जाम्पल नंबर वन आप रीड करें एग्जाम्पल नंबर जो टू है ये हम कल डिस्कस करेंगे